नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप हमें ये सहयोग दे रहे हैं, हमारे YouTube चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, अपना जो रिपेयर करियर है उसको आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसको ही आगे बढ़ाते हुए हमने लैपटॉप्स रिपेयर्स के ऊपर और एप्पल लैपटॉप्स के ऊपर और डेस्कटॉप मदरबोर्ड्स के ऊपर किताबें लिखी है जिसकी आपने सराहना की है, जिसको आप यूज कर रहे हैं और जो लैपटॉप्स रिपेयर कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज है वो छोटा 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 होते जा रहे हैं, हर चीज मिनिएचर होते जा रहे हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं तो लैपटॉप्स के अंदर हर कंपोनेंट्स है वो छोटे 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 होते जा रहे हैं, तो उसके वजह से ये दिक्कत हो रही है कि हमें नेकेड आई से उसको चेक करना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो उसके लिए लगेगा अभी हमें माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम उसको आसानी से देख सकते हैं विदाउट आई स्ट्रेंथ और आराम से उसको डायग्नोस कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको माइक्रोस्कोप किस तरह से असेंबल करने का और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसका हम आपको डेमो देंगे। जैसे मैकबुक प्रो के जो नए लेटेस्ट लैपटॉप्स है, अभी उसके अंदर हम देखेंगे कि मदरबोर्ड का जो साइज है बहुत ही छोटा है और चिप्स भी काफ़ी छोटे छोटे उसके अंदर से है। देख रहे हैं सब कैपेसिटर रजिस्टर्स और मॉसपेक का जो साइज़ है वो काफ़ी मिनिएचर होते जा रहे हैं, और उसको रिपेयर करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं, राइट? तो अभी मैं आपको माइक्रोस्कोप से जो बूम स्टैंग्स है उसको किस तरह से असेंबल किया जाता है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये सब माइक्रोस्कोप के सब अलग अलग पार्ट्स हैं और अभी हम उसको एक एक करके जोड़ते जाएंगे और असेंबल करके उसको टेस्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इसका स्टैंड है और ये रॉड है, तो पहले हम लोग इसको रॉड को फिट करेंगे। ये एलन की से हम लोग उसको पहले टाइट करके लेंगे। ये रॉड को मैंने अभी फिट कर दिया है इसके अंदर और यहाँ से इसको टाइट कर दिया, राइट? तो अभी ये फिक्स हो गया, तो मेक श्योर कि वो थोड़ा फिक्स होना चाहिए क्योंकि हेवी लोड उसके ऊपर आने वाला है, तो हम श्योर करेंगे कि अच्छी तरह से। तो अभी रॉड अच्छी तरह से बैठ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग लेंगे, अभी हम लोग ये इसको पहले ऐसे लगाएंगे इसके अंदर और इसका ये लॉक है, तो मुझे जितना हाइट पे चाहिए मैं पहले इसको लगा के टाइट करूँगा इस तरह से। समझो मुझे और चाहिए तो मैं इस तरह से लॉक कर दूँगा। उसके बाद मैं ये इसको इस तरह से लूँगा, टैंक को इस तरह से रखना है अंदर, इसको बैठ गया मेरा इस तरह से, राइट? और इसका भी मेरा एक लॉक है, इस लॉक को मैं ये पीछे से, राइट, पीछे से उसका मेरा ये लॉक को मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा फ्री मूवमेंट हो गया, ये मेरा बूम स्टैंग है तो मैं जहाँ पे चाहिए उसको ले सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे मेरा ये होल्ड हो गया। नेक्स्ट मुझे लेना है, उसके बाद हम ये इसको लगाएंगे इसके अंदर और इसको ऐसे टाइट करेंगे। ओके, ये टाइट हो गया और इसका मूवमेंट इसके लिए मुझे और एक मेरा ये नट है उसको मुझे लगाना है, ये वाला, ताकि इसका मूवमेंट को मैं लॉक कर दूं। और इसको यहाँ पे असेंबल करेंगे। और इसके लिए भी यहाँ से एक लॉक है, ये वाला, इसको मुझे लॉक करना है। और उसके बाद फिर मैं इसको
उसके बाद मुझे ये माइक्रोस्कोप को इसके अंदर रखना है, इस तरह से पूरा लॉक मैं कर दूँ। और यहाँ पे नट है, ये नट को मुझे टाइट करना है, पूरा देखना है कि वो पूरा स्लॉट्स के अंदर चले जाए। ये भी नीचे का ढक्कन है और ये कैप्स निकालूंगा, दोनों कैप्स, और उसके जगह पे ये मैं लेंस लगाऊंगा। लेंस लगाते वक्त मेक श्योर कि क्लीन होना चाहिए दोनों, इसको लगा दिया और इसको एलन के से हम लोग टाइट करेंगे, हो गया। और को ये रबर है, रबर हमारा यहाँ पे लगेगा। उसके बाद हम लोग ये लेंस लगाएंगे, उसके बाद ये लेंस लगेगा, लाइट लगाएंगे, ये लेंस, कैमरा की लेंस, इसको एलन की से टाइट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट मेरा ये रिंग लगेगा कैमरा लगने से पहले, ओके लोग लगाएंगे कैमरा। ये जो कैमरा है वो 4K का कैमरा है और HDMI पोर्ट्स है और पावर के लिए टाइप सी है, तो इस कैमरा को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। भी लग चुका है और लेंस भी लग चुकी है, अभी हम उसको पावर कनेक्ट करेंगे, हम पावर देंगे कैमरा को और ये लाइट्स को, राइट। हाँ लो, इसके पावर है, पावर कनेक्ट करेंगे लाइट्स को, यहाँ से उसका एडाप्टर दिया हुआ है इसके साथ, और कैमरा के लिए ये टाइप सी केबल, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, राइट। तो ये केबल को पीछे से लेंगे, ओके। तो अभी हमारा रेडी हुआ है सेटअप, ठीक। ओके, है इसको, और इसको मॉनिटर्स कनेक्ट करेंगे या प्रोजेक्टर भी आप लगा सकते हो। देख सकते हैं इसका ये रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा, आँखों को कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग जैसे काम करते हैं तो आँख पे बहुत प्रेशर आ जाता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
अगर हम लोग नॉर्मली काम करता रहेंगे तो हर 6 महीने के बाद हमारा जो चश्मे का नंबर है वो चेंज होते रहेगा, आँख पे प्रेशर आता है। सो माइक्रोस्कोप में हमें काफ़ी इजी हो जाता है डायग्नोजिंग करना, और काफ़ी इजी तरीके, मतलब दोनों तरीके से हम लोग इसके अंदर भी देख के काम कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये कैमरा लगा के भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे ये 4K मॉनिटर्स हैं और आइज़ को बिल्कुल स्ट्रेन नहीं हो रहा, आराम से डायग्नोजिंग कर सकते हो, और बेटर रिजल्ट्स के लिए और फास्ट रिजल्ट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा टूल्स है, जो अभी जो नए जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, यानी नए नए जो चिप्स आ रहे हैं उसके अंदर सब मिनिएचर होते जा रहे हैं, सब छोटा छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और काम करने के लिए बेटर रहेगा। और ये बूम स्टैंड रहेगा तो हम लोग उसको कहाँ से भी मूवमेंट दे सकते हैं, और कहाँ कैसे भी उसको हम लोग डायग्नोजिंग करके आराम से दोनों जगह से काम कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ में देख के नीचे देख के भी काम कर सकते हैं, या फिर हमें कैमरा लगा के भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने मॉनिटर लगाया, चाहे तो आप प्रोजेक्टर लगा सकते हो, या बड़ा 55 इंच का टीवी भी लगा सकते हो, जो बेटर रिजल्ट्स के लिए। ओके सो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इवन चिप नंबर ढूंढने के लिए भी हमें बहुत परेशानी होती है, चिप का नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो छोटा हमारा जो अभी नेटवर्क का चिप्स है, तो आप देख सकते हो कि आराम से हमें चिप का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी आराम से रीडेबल है, इवन उसके पिन्स भी काफ़ी इजीली दिख रहे, तो हम यहाँ पे देख के आराम से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेटर रिजल्ट और बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये माइक्रोस्कोप्स है, जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट आपका आ सकता है विदाउट एनी आई स्ट्रेंथ, आपके तकलीफ हुए बिना हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट। हैव अ नाइस डे।